हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। पहला एग्जांपल है हमारे पास वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर। वायर की लेंथ दे दी, रेडियस आर दे दिया, हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ओके, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ लेंथ 2L एंड रेडियस 2R मेड ऑफ सेम मटीरियल। ओके, क्या कहा गया है? पहला वायर है, उसको वायर वन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, डायग्राम बनाना होता है। अगर यहाँ डायग्राम बनाने की इतनी जरूरत नहीं है तो कम से कम डेटा लिखना होता है जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको एक साथ। तो वायर वन के बारे में बात करेंगे, तो लेंथ एल है, रेडियस आर है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। वायर टू के बारे में क्या दे रखा है? वायर टू के बारे में दे रखा है कि लेंथ 2L है, रेडियस 2R है और रेजिस्टेंस बताना है। क्या करेंगे? हमें मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज रो एल बाय एरिया। रो क्यों यूज कर रहा हूं? दोनों मटेरियल का सेम रो है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों वायर्स का सेम मटेरियल है इसलिए सेम रो है, कोई रो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? रेडियस गिवन है पाई आर स्क्वायर, यह आपका रेजिस्टेंस है आर। इस सेकंड वायर का रेजिस्टेंस हम लोग लेट से आर डैश मान लेते हैं, यही आर डैश हमें निकालना है। क्या करेंगे? आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाय एरिया की जगह क्या लिखा जाएगा? आर डैश इज इक्वल टू, क्योंकि यहां लेंथ 2L है, रो इंटू 2L अपॉन एरिया कितना हो जाएगा? रेडियस 2R है तो पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रो इंटू या 2 टाइम्स रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आपका जो सेकंड वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में रो नहीं दे रखा इसलिए आपके आंसर में रो नहीं आ सकता, ये रो हमने एज्यूम किया था। तो आपके पास यहां दो ऑप्शन, या तो आप रो की वैल्यू यहां से निकाल के यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, नहीं तो किसी तरीके से रो को एलिमिनेट करिए। तो एलिमिनेट करने का सीधा सा उपाय है, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से। तो क्या आएगा? आर बाय आर डैश इज इक्वल टू, देखिए रो एल बाय पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 बाय 2 आएगा। आप डिवाइड करके देखिएगा, यही आएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हो आर डैश इज इक्वल टू आर बाय, ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो सेकंड वायर का रेजिस्टेंस है वो जनरली फर्स्ट वायर के रेजिस्टेंस के टर्म्स में ही बताना होता है, तो वो हमने यहां पर सही से बताया है। आर डैश कितना होगा? सेकंड वायर का रेजिस्टेंस पहले वायर के मुकाबले आधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वायर्स हैं, टू वायर्स हैव लेंथ इन रेशियो 1:2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इन रेशियो 2:1। लेंथ का रेशियो दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो दे रखा है। वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस इफ दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। दोनों का मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो मैंने यहां दिखा लेंथ का रेशियो दे रखा है L1 by L2 इज इक्वल टू 1 by 2। ये पहले वाले इक्वेशन से 1:2 देख के मुझे क्या समझ में आया? पहले वाले वायर का लेंथ L1 इज टू दूसरे वाले वायर का लेंथ L2 इज इक्वल टू 1 by 2। दूसरी चीज दे रखी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो, A1 by A2 इज इक्वल टू 2:1, मतलब 2 हो गया। तो ये दो इक्वेशन हमें बेसिक दे रखी है। हमें ये भी दे रखा कि दोनों वायर्स सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, उनका रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है, मतलब मुझे R1 by R2 बताना है। मैं क्या करूंगा? मैं फॉर्मूला लिखूंगा रेजिस्टेंस का। R1 क्या हो जाएगा? Rho1 L1 by A1 by R2 कितना हो जाएगा? Rho2 L2 by A2। अब देखिए, मुझे यहां Rho1 और Rho2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों वायर्स का रेजिस्टिविटी सेम है, दोनों वायर सेम मटेरियल के बने हुए, तो Rho1 और Rho2 अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली रो से रो कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू L1 by L2 इंटू
ए टू बाय ए वन, आर वन बाय आर टू की वैल्यू कितनी हुई, एल वन बाय एल टू इंटू ए टू बाय ए वन, दिस इज इक्वल टू एल वन बाय एल टू दे रखा है 1 बाय टू, और ए वन बाय ए टू टू है तो ए टू बाय ए वन कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 बाय टू, दैट इज इक्वल टू 1 बाय फोर. इसका मतलब आर टू इज इक्वल टू फोर आर वन आ गया. ठीक है जी, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम्स में, आपके बुक्स में है, आपके स्टडी मटेरियल में है, उन सबको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे. मैं जितने भी क्वेश्चंस यहां दे रहा हूं, प्लीज उनको सॉल्यूशन देखने से पहले पॉज करिए, खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए. तो अगला एग्जांपल हमारे पास है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू वायर्स इज 1:2, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू वायर्स इज 1:2 एंड दैट ऑफ वॉल्यूम्स इज 1:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस इफ दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल. वायर की लेंथ का रेशियो दे रखा है 1:2, वॉल्यूम्स का रेशियो दे रखा है 1:4. वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस इफ दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल. मतलब यहां पर लेंथ का रेशियो तो दिया गया L1 बाय L2 तक, तो दिया गया 1 बाय 2. दूसरी चीज जो दी गई है वॉल्यूम का रेशियो है. इसका रेशियो दे रखा है वॉल्यूम का, मतलब कि वी वन बाय वी टू दे दिया आपको, ये कितना है 1 बाय 4. अब सोचिए इसका मतलब क्या हुआ, वी वन बाय वी टू 1 बाय 4 है, वॉल्यूम होता कितना है. हमें अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी है, अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें लेंथ चाहिए, हमें एरिया चाहिए, हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए. लेकिन यहां वॉल्यूम दे रखा है तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम से एरिया निकालते हैं. हमें पता है वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया, तो वी वन क्या हो जाएगा एल वन ए वन, और वी टू कितना हो जाएगा एल टू ए टू, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4. अब L1 by L2 पता है कितना 1 by 2, so this implies 1 by 2 times A1 by A2 is equal to 1 by 4. This implies आपको एरिया का रेशियो दे रखा है A1 by A2 is equal to 1 by 2. तो आपको लेंथ का रेशियो गिवन है, आपको एरिया का रेशियो गिवन है, आपको बताना है रेजिस्टेंस का रेशियो. तो अगर मैं रेजिस्टेंस का रेशियो लिखूं R1 by R2, that will be simply equal to, दोनों का मटेरियल सेम है इसलिए रो सेम है, तो R1 हो जाएगा रो L1 by A1 by R2 हो जाएगा रो L2 by A2, that is equal to, रो रो कट गया, L1 by L2 into A2 by A1, that is equal to, L1 by L2 कितना है 1 by 2, A1 by A2 1 by 2 है, तो A2 by A1 2 हो जाएगा, that is equal to 1. That means, इन दोनों वायर का resistance same होगा, resistance का ratio 1:1 होगा. नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है कि टू वायर्स हैविंग लेंथ इन रेशियो 1:2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन रेशियो 2:1 हैव रेजिस्टेंसेस इन रेशियो 8:1. वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टिविटी. इस क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया गया कि दोनों वायर्स का मटेरियल सेम है, इसलिए दोनों वायर्स की रेजिस्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, और हमें उन्हीं उसी रेजिस्टिविटी का रेशियो पूछा गया. हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन है कि L1 बाय L2 is equal to 1 by 2. हमें ये भी given है कि A1 by A2 is equal to 2 by 1. हमें ये भी given है कि resistances are in ratio 8:1. That means R1 by R2 is equal to 8 by 1. यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, This implies resistance का formula क्या होता है, rho L by A. यहां दोनों materials अलग अलग हैं, इसलिए rho अलग अलग होगा. इसलिए मैंने R1 को लिखा रो वन एल वन बाय ए वन, बाय आर टू को लिखा रो टू एल टू बाय ए टू, दैट इज इक्वल टू 8:1. दिस इम्प्लाइज यहां से लिख सकता हूं रो वन बाय रो टू इंटू एल वन बाय एल टू इंटू ए टू बाय ए वन इज इक्वल टू 8:1. दिस इम्प्लाइज रो वन बाय रो टू कितना हो जाएगा 1:2 इंटू एल वन बाय एल टू कितना हो जाएगा, रो वन बाय रो टू निकालना है, सॉरी रो वन बाय रो टू है ये, ठीक है, रो वन बाय रो टू इंटू एल वन बाय एल टू इज 1:2, यहां लिखा है ना 1:2 इंटू ए टू बाय ए वन, ए वन बाय ए टू 2:1 है तो ए वन बाय ए टू भी 1:2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8. दिस इम्प्लाइज रो वन बाय रो टू इज इक्वल टू 32.
आपको समझ में है ये कैसे कैलकुलेशन करी? रो वन बाय रो टू, एल वन बाय एल टू, ए टू बाय ए वन, इसकी वैल्यू कितनी है? 8:1। तो यहां से हम लोगों ने एल वन बाय एल टू की वैल्यू डाली 1:2, ए टू बाय वन भी हो गया 1:2, एट इधर था ही था, सॉल्व किया तो रो वन बाय रो टू कितना आ गया? 32। तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो कितना हो जाएगा, रेजिस्टिविटीज का रेशियो कितना हो जाएगा? 32:1। ठीक है, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायर ऑफ लेंथ एल हैज रेजिस्टेंस 3 ओम। एक वायर है जिसका लेंथ एल दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच टू लेंथ 12। एक वायर जिसका लेंथ एल है, अगर हम उसको स्ट्रेच करके 12 लेंथ तक लेके जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब इस क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि आपका रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय एरिया। इसका मतलब रेजिस्टेंस पहले दे रखा है 3 ओम इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय एरिया। आफ्टर स्ट्रेचिंग आपका रेजिस्टेंस आर हमें निकालना है, वो कितना हो जाएगा? रो इंटू लेंथ कितना हो गया? 12 बाय एरिया। इसको मैंने इक्वेशन वन कहा, इसको इक्वेशन टू कहा, डिवाइड किया, दिस इंप्लाइज आर बाय 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? इससे इसको डिवाइड किया तो 2 हो गया, दिस इंप्लाइज रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 6 ओम। तो सेकंड वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 ओम। ये मैंने किया क्या यहाँ पे? इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। डिवाइड कैसे करते हैं? एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करो, आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करो, ये आ गया। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? ध्यान दीजिए, दो अलग अलग वायर नहीं है, एक ही वायर को स्ट्रेच किया, वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर दी आपने, क्या एरिया चेंज नहीं होगा? अगर आप एक रबर बैंड को खींचते हो तो क्या वो पतला होता है या नहीं होता? अगर नहीं ऑब्जर्व किया है तो अभी कर लो, वीडियो पॉज करो, कहीं से रबर बैंड लाओ, उसको खींच के देखो, क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है या नहीं होता? आप पाओगे कि हाँ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है। क्यों होता है? देखिए, आपका मेटीरियल सेम है, मास सेम है, मेटीरियल सेम है तो डेंसिटी सेम होगा, डेंसिटी सेम है, मास सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। मतलब अगर आपने उस वायर को स्ट्रेच किया तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे इनिशियल वॉल्यूम अगर वी है तो फाइनल वॉल्यूम भी वी ही रहेगा। इनिशियल लेंथ एल थी, फाइनल लेंथ 12 हो गई, ठीक है। इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए था तो फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया ए नहीं रहेगा बल्कि ए डैश हो जाएगा। और ये ए डैश कैसे निकलेगा? फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिलेंडर के क्रॉस वॉल्यूम का फॉर्मूला सोच लीजिए, पाई आर स्क्वायर इनटू एल, ये क्या है? एरिया इनटू लेंथ, है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम यहां पे क्या देखेंगे? ए डैश इनटू 12 जो फाइनल वॉल्यूम है इज इक्वल टू ए इनटू एल जो कि इनिशियल वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ना तो मटेरियल चेंज हुआ है ना मास चेंज हुआ है। दिस इंप्लाइज ए डैश इज इक्वल टू ए बाय 2। तो जो नया वॉल्यूम आया, जो नया क्रॉस सेक्शन एरिया आया ए डैश, वो इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया का आधा है, सेम नहीं है, एरिया आधा हो गया। इसलिए हम कहेंगे आपका जो नया रेजिस्टेंस आएगा आर डैश दैट इज इक्वल टू, मटेरियल सेम है इसलिए रो सेम रहेगा, रो इंटू लेंथ की जगह 12 और एरिया की जगह ए डैश, ए डैश कितना है? ए बाय 2, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स रो एल बाय एरिया, और रो एल बाय एरिया कितना था? इनिशियल रेजिस्टेंस दैट इज 3 ओम, 4 × 3 इज इक्वल टू 12 ओम, ये आपका आंसर होगा। स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस 6 ओम नहीं होगा बल्कि 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज अ वायर ऑफ लेंथ एल हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ एन एल। एक वायर है जिसका लेंथ एल है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, हमें बताना है कि अगर हम इसकी लेंथ को
स्ट्रेच करके एन टाइम्स कर दें, एन एल कर दें, तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा? अगेन क्वेश्चन पिछला वाला ही है, सेम टू सेम है। क्या कह रहा है ये? हमें वायर स्ट्रेच करना है। ध्यान दीजिए, दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक वायर है लेंथ एल का, दूसरा वायर है लेंथ एन एल का, अलग क्वेश्चन है। एक वायर है लेंथ एल का, उसी वायर को स्ट्रेच करके एन एल का लेंथ कर दिया, ये दूसरा क्वेश्चन। समझ में आया? दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो एक वायर है लेंथ एल का जिसका रेजिस्टेंस आर है, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ एन एल? क्या करेंगे? क्योंकि वायर सेम है, मटेरियल सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, लेंथ हमारा मान लेते हैं लेट्स से इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ए है। लेंथ तो एल था, मान लेते हैं इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ए ही रहेगा? नहीं, फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने ए डैश मान लिया। नाउ क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ए डैश इंटू फाइनल लेंथ इज एन एल इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इज ए इंटू इनिशियल लेंथ इज एल। इसका मतलब आपका ए डैश हो गया ए बाय एन। तो ऐसे में आपका जो नया रेजिस्टेंस आर डैश हो जाएगा, दैट विल बी रो टाइम्स नई लेंथ इज एन एल अपॉन नया एरिया इज ए बाय एन। सो दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स रो एल बाय ए, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स रो एल बाय ए। क्या है ये? इनिशियल रेजिस्टेंस है, रो एल बाय ए क्या हो जाएगा? इनिशियल रेजिस्टेंस। सो एन स्क्वायर आर, आपका नया रेजिस्टेंस आर डैश कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर आर। ध्यान दीजिए, लेंथ को हमने एन टाइम्स बढ़ाया तो आपका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ गया? एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया। ये कब हो रहा है? हम वायर को अगर स्ट्रेच कर रहे हैं तो। अगर हम वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखते हुए दूसरा वायर लेके आए, मतलब एक वायर का ऑलरेडी लेंथ एल है, एरिया ए है, दूसरा वायर लेके आए जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही है पर लेंथ को हम लोग बढ़ाकर एन टाइम्स एल कर दें, तो नए रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एन टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, एन आर होगा। लेकिन अगर उसी वायर को स्ट्रेच किया तो एन स्क्वायर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सेम वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो वॉल्यूम सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, काफी कॉमन मिस्टेक होती है आपके क्वेश्चंस में। इसके अलावा आपके रेजिस्टिविटी पे कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते। थैंक यू।